సోమనాథ్ చటర్జీ తనకు పెద్దన్నయ్య లాంటి వారని లోక్సభ స్పీకర్ సుమిత్ర మహాజన్ వ్యాఖ్యానించారు. తమ సిద్ధాంతాలు వేరైనా ఆయన్ని చూసి చాలా నేర్చుకున్నట్లు వెల్లడించారు. స్పీకర్గా సోమనాథ్ చటర్జీ పదవీకాలం తనకు మార్గనిర్దేశనం వంటిదని ఆమె అన్నారు. और वास्तव में सोमनाथ दा हम कहते हैं तो रियली ही वॉज ए बिग ब्रदर टू मी ऑल्सो. तब से मैंने भी कदम रखा पार्लियामेंट में 89 में और तब से मैं सोमनाथ चटर्जी को काम करते हुए देखती थी. तो हर रूल का उपयोग करते हुए मुद्दे उठाना कैसे, ये एक प्रकार से हम उनसे ही देखते थे समझते थे. और उनका जो स्पीकर का कार्यकाल रहा मेरे लिए तो वो सबसे एक प्रकार से गाइड के रूप में हो गया कि उन्होंने एक जो स्थापित किया कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, कोई स्पीकर को नोबडी कैन क्वेश्चन टू स्पीकर समथिंग लाइक दैट. और फिर स्पीकर को भी बिल्कुल नियम के मुताबिक काम कैसे करना चाहिए. मगर एक व्यक्ति के नाते वो बहुत ही जिसको हम कहते वॉज वेरी लविंग और केयरिंग ऑल्सो और एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी इन पॉलिटिक्स ऑल्सो.